द हरप्रीत सिंह शो दे अज दे इस एपीसोड में आप सब का करदा हाँ हार्दिक स्वागत। अज दे इस प्रोग्राम में असीं तुहाडी मुलाकात करांगे डॉक्टर राजपाल सिंह नाल, जिहड़े कि पिछले कुछ समय तो साडे कोल हर हफ्ते आ के सांझ पाया करदे ने महत्वपूर्ण मुद्दों के उत्ते, जिन्हां दी कि बहुत ज़्यादा लोड़ है कि असीं अपने समाज में चर्चा करिए। अज इस विषय ते असीं गलबात करनी है कि अज असीं वेख रहे हैं कि जिथे टैक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांसमेंट हो रही है, पर नाल बहुत सारे लोग जिहड़े ने वहमां ते भरमां च फसदे जा रहे हैं। अज साइंटिफिक पक्ष तो आओ डॉक्टर राजपाल सिंह तो जानकारी लैंदे आ कि वहम ते भरम की हुंदे ने, कि वाक्य विच ही ये एग्जिस्ट करते हैं या फिर एक सिर्फ साड़ी ख्याल ही होंगे ने। और इस संबंध में जानकारी लेने डॉक्टर राजपाल सिंह तो। जी हाँ जी, वेलकम। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, वहम भरम की जो गल करने तो यह अज असी देख रहे हैं कि लोग हज़ारा ही डॉलर अपने लखा ही बल्कि मैं कहां तो ला देंगे ने कि भरमा च फस गए हैं जां वहमां च फसे हुए हैं कि जी असी ठीक हो जाएंगे, जां कोई प्रॉब्लम आई आपत आई तो उस तो असी बाहर निकल आवेंगे। साइंटिफिक पक्ष तो तुम किस नज़रिए तो इसको देखने वहम और भरम, इन्हों पहले तो डिफाइन करके सानू दसो तो नाले की चीज़ा की है जी। हाँ जी, जे आप इन्हों सैपरेट कर लिए दोनों चीज़ों तो इन समझना सौखा होजूगा। ओके, मैं जी गल कर रहा हूँ एविडेंस बेस्ड हैगी, साइंस जितों तक पहुँची हैगी, तो साइंस ये बारे काफ़ी क्लीयर हैगी। पहला आप गल कर लें वहम की जी। वहम जिन्होंने आप अंग्रेजी डिल्यूजन कह लें हैं कि वहम वो होंगे ने कि जी गल जी है इंसान बिलीव करता है, तो वो बावजूद इस गवाइया के इस एविडेंस के कि ये गल सच्ची नहीं हैगी, वो मानता नहीं है। सो द बिलीफ सिस्टम इन्ना स्ट्रोंग हो चुका है, फॉल्स बिलीफ है। ठीक, तो उन्हें असी वहम कहते हैं। अच्छा जी, तो ये कई बार ये औखा हो जाता सानू देखना कि यह वहम आ कि बंदे दे कन्विक्शन, कई आइडियाज होंगे ने उस बंदा बड़ा कन्विक्शन ना सोचता है, बंदा स्ट्रोंग होंदा कि नहीं इस तरह है। उन्हां नाल असी कई बार डिफरेंशिएट करते हैं कि ये आम बंदे का आइडिया हैगा, तो इहदियां स्ट्रोंग कन्विक्शनस हैगियां ने। जिदा कई बार होंदा कि मैं अपने धर्म बारे, मैं अपने देश बारे, मैं अपने प्यार बारे आइडियल्स जड़े हैं, जान दे दनी आ, मैं बारे इस तरह हाँ, मैं तो यह फील करता है। वो कन्विक्शनस होंदियां ने, स्ट्रोंग कन्विक्शनस होंदियां ने। राइट, पर वहम होंदे ने कि उन्हां गल्लां च बिलीव करना कि जिहड़ियां सच नहीं हुंदियां, एविडेंस के बावजूद भी वह इंसान मानता नहीं है। अच्छा, जे असी उन्होंने दलीलां करदे आ, होर दलीलां करी जांदे हैगे ने, तो वह सारे समझते ने, तो वह जिहड़ी वह बिलीव करता है उन्हों का कल्चर भी यह समझता है। जिदा फर्ज करो साडे सभ्याचार दे विच कोई बंदा है, वह कहिंदा जी कि मैं मेरे नाल मैनू कोई मेरा पिछा किया जा रहा है। राइट, जां कोई बंदा यह बिलीव करता है कि मैनू मार देने की कोशिश की जा रही हैगी, मेरे फलाना फैमिली मैंबर ने मैंने जहर देने की कोशिश की हैगी, किसी नूं यह वहम हैगा पति पत्नी के रिश्ते दे विच कि पति सोचता हैगा कि मेरी वाइफ का किसी नाल अफेयर हैगा, जां पत्नी सोचती है कि मेरा वाइफ का किसी नाल अफेयर हैगा, पर वो प्रूव करता है कि नहीं मेरा किसी नाल कोई अफेयर नहीं हैगा, पर वो मानते नहीं हैगे। सो ये परसिक्यूटरी डिल्यूजन के मेरा कोई पिछा किया जा रहा। कई लोग साडे कोल आउंदे ने, कहिंदे ने जी कि मेरी दिमाग दे विच चिप जिहड़ी आ पा दित्ती हुई आ गवर्नमेंट ने, तो सारे जिहड़े मेरे आइडियाज़ ने वो कढ लैंदी हैगी आ, मेरे आइडिया लै जांदी हैगी आ। कईआं नूं हैगा कि मेरे दिमाग दे विच आइडिया पाए जा रहे हैगे ने जी। सो ये जिहड़े सारे वहम हैगे ने जिहड़ी कि एविडेंस नहीं हुंदी। जिस तरह लोगों के कैमरे लगे हुए ने पब्लिक प्लेसिस ते, उत्ते मोनीटर हो रही हैगी आ, वो तो हैगी आ, मोनीटरी तो हैगी। हुण सानूं पता लगा कि अमेरिका साडिया फोन कॉल्स भी कर रहा है, मोनीटर कर रहा है जी, पर वो साडी कुछ हद तक रहिंदी हैगी। पर जे असी एविडेंस के बावजूद भी ये मन्नी जाइए फिर वो वहम हो जाता है। ओके, तो भरम जिहड़ा हैगा वो भरम यह हुंदा कि जिदा साडिया पंज ज्ञान इंद्रियां ने जे तो सानू संसार बारे पता लगता जी, कि असी अखां थाने वेखदे आ, कन्नां थाने असी सुनदे हैगे आ, सुंघदे हैगे आ, टेस्ट करदे आ, जां असी स्पर्श करदे आ किसी चीज़ नूं, ये पंज ज्ञान इंद्रियां ने, तो ये काम काल काम च कई बार फर्क आ जाता है कि सानू आवाज़ा सुनदियां ने जिहड़ियां कि उत्थे हुंदियां नहीं हैगियां, सानू कोई चीज़ विखाई दिंदी है जिहड़ी उत्थे है नहीं हैगी, सानू कोई टेस्ट आई जांदा हैगा, जां सानू कोई स्मैल आई जांदी है, फैमिली कहिंदी है कि सानू तो स्मैल आ नहीं रही हैगी, जां कोई कहिंदा कि मेरे ते इत्थे कीड़े चल रहे ने स्किन दे विच जी। सो ये जिहड़ियां
इनू असं हलूसीनेशन कहने एक भरम कहने है जिड़ी कि उत्थे एक्चुअली है नहीं है पर जिन्होंने महसूस हो रहे हैं उन्होंने बिल्कुल रियलिटी वाग महसूस हो रहे होंगे ने अच्छा जी पूरे पूरी जिदा इंपैक्ट हों उन्होंने पूरा असर हों एक चीज़ खास होंगी है इन्होंने कि वह बंदे दे अपने कंट्रोल च नहीं होंगे जे किसी आवाज़ा सुन रही है ने वो ये नहीं कह सकता कि मैं हूँ आवाज़ा सुन लगा है मैं हूँ आवाज़ा बंद कर दिया जे वो कंट्रोल च है फिर वो थॉट्स है जी तो ये है वहम तो भरम ओके तो ये ये जो लोग फील करते हैं बड़े कल्चर में साढ़े कल्चर के जो हलूसीनेशन होंगे ने जो भरम होंगे ने कई बार ये समझ आ जाता कोई दैवी स्नेहा हैगा ज कोई फ्यूचर बारे गल सानू की जा रही है ज कोई सानू साया चंबड़ गया है जी कोई बड़ी रिलीजियस जी शख्सियत है सा गल कर रही हैगी परमात्मा सा गल कर रहा है ये लोगों के मन विचार आम आ जाते हैं ओके पर यह रियलिटी नहीं है रियलिटी नहीं हैगी पर उहदे नाल की कोई समा भी निश्चित है क्योंकि कई बार सुने डॉक्टर साहब कि यह जो तुम सौ रहे हो या उठ रहे हो उस समय नहीं है जो सुते हुए हो हाँ उसी समय होंगे ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो असी सौन लगे होंगे जी तो एक जी सा कॉन्शियसनैस है वो तो असं स्लीप वाल जो जा रहे होंगे उदो कई बार सू चीज़ा हलूसीनेशन हो सकती है आवाज़ सुन सकती हैगी जो उठते होंगे अजय अजय सुतनिंद्रे होंगे उदो भी सूँ यह हो सकता है जो उस टाइम हों तो उन्होंने फिर असं हलूसीनेशन नहीं कहते उन्होंने असं भरम नहीं कहते वो साड़ी नींद वाल जान का जरा हिस्सा है तो बहुत लोगों होंगे 25-30% लोगों होंगे कई बार असं लैक्चर कर जाने किसी कॉलेज में किसी वड्डी ऑडियंस उत्थे असं लोगों पुछते हैं कि तुम हाथ खड़ा करो जिन्होंने कभी अपना ना सुनिया हो पिछे देखा कोई नहीं है तो कोई 15-20% लोग जेड़े आ वो हाथ जरूर खड़ा करनगे ओके सो एक एक नॉर्मल एक्सपीरियंस भी हैगा पर वो बहुत लिमिटेड हुंदा कदी कदी हुंदा हैगा ओके पर जदों ये ज़्यादा होने लग पे ज़्यादा क्लीयर हो फिर ये भरम हुंदा हलूसीनेशन हुंदा ते फिर ये जो ब्रेन हैगा ये ठीक तरह वर्क नहीं कर रहा हुंदा उदों हुंदे ने सो जिहड़े लोग वहम करदे ने कि ये एक रोग हैगा जी इसनूं तुसीं साइंटिफिक पक्ष विच इसनूं रोग कहिंदे हो ये रोग बन जाता है तो वहम बड़े लोग करते हैं जी तो ये देखना पैंदा है सानू कि इनू रोग कहीए कि ना कहीए असी देखते हैं कि बंदे का सुभाग किहो जिहा है जी फर्ज करो असी फैमिली नाल गल करते हैं फैमिली कहिंदे जी ये तो वैसे ही शक्की सुभाग का है काफ़ी शक करता है तो ये भी एक शक वाली गल हैगी जी तो कई बार असं कहने कि सुभाग ही इहोजिहा है परसनैलिटी इहोजी हैगी है इहदा परसनैलिटी नूं आपां कह दिंदे कि उहदे च कोई गड़बड़ हैगी उहदे च मुश्किल आ रही हैगी आ जी पर जदों इह जिहड़ा वहम हैगा इह साडे कामकार च दखल देण पै जाए साडे संबंधां च दखल देण पै देण लग पैंदा हैगा फिर इक रोग बन जांदा हैगा बंदे दे कोल एविडेंस भी हुंदी हैगी आ कि इह गलत हैगा जिहड़ा मेरा ख्याल हैगा पर वो फिर भी उत्ते यकीन करी जा रहा है तो वो कामकाज दखल दें फिर यदा एक ये रोग बन गया है जी फिर ये आम गल नहीं रह गई हैगी सो इसनों की तुसी डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहोगे जी हाँ जी क्योंकि डिल्यूजन हैगा जिहड़े भरम वहम हुंदे ने डिल्यूजनस कहिंदे हैगे फॉल्स बिलीफ्स है तो ये फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर असी गिन लैने हैगे आ तो ये कोई हज़ार विचों 2-3 लोगों नूं हुंदा हैगा ओके थोड़ा हुंदा हैगा जी पर ये जिन्हां नूं हुंदा हैगा काफ़ी उन्हां दे रिलेशनशिप ते काफ़ी असर करदा हैगा पर डिल्यूजनल डिसऑर्डर असी उन्हूं कहने आ पहलां ते देखदे आ कि किसी नशे करके तो नहीं हो रहा ठीक है जे कोई बंदा नशे कर रहा हैगा फर्ज करो जो नशे करता हैगा नशे जो उतरते हैं जिदा शराब हैगी जो तोड़ आँदी हैगी उस गड़बड़ हो सकती हैगी दूजे नशियां हो सकता हैगा नशियां करके कई दवाइया करके हो सकता हैगा जी सो असी पहला देखते हैं किसी मैडिकल कंडीशन करके तो नहीं है जो गल करके नहीं है ये असं पहला देखते हैं तो फिर असी देखते हैं कि ये कल्चर मुताबक भी फिट बैठता कि नहीं है कई बार असी एबोरिजनल कोई क्लाइंट देख रहे हैं जे उन्होंने थोड़े जे बिलीफ इस पास में है फैमिली भी कहते नहीं दिस इज़ फाइन असी ये बिलीव करते हैं ये रोग नहीं है साडे कल्चर च आउंदा है जो कल्चर तो बाहर हो जाता है फिर असी इहनूं कहिंदे डिल्यूजनल डिसऑर्डर पर इहदी खासियत यह हैगी आ कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाले की बाकी सारी लाइफ ठीक हुंदी है मतलब जे तुसी बाकी चीज़ों बारे जो गलबात करते जे तुसी पछाण ही नहीं सकते कि ये बंदा बीमार भी है राइट ये बारे होर जानकारी लेने जी इस छोटी जी ब्रेक तो बाद जी थैंक यू जी
वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। डॉक्टर राजपाल सिंह जी जो साढ़े नाल अज गलबात कर रहे हैं वहम अते भरम के संबंध में उस बारे आओ होर जानकारी लेने। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम ही सुनने जी, यह होंगे डॉक्टर साहब? ये डिफरेंट हैगा वहम की बीमारी नालों। अच्छा जी, ये ऑब्सेसिव का मतलब होंगे कि कई बार ख्याल जोड़े है साढ़े दिमाग च बदोबदी आते हैं, असं ख्याल सोचना नहीं चाहते है, उन्होंने असं ऑब्सेशंस कहते हैं। तो कुछ चीज़ा कुछ बिहेवियर असी करते हैं जो असं करना नहीं चाहते है, बदोबदी करते हैं, जो नहीं करते बड़ी घबराहट होंगी जी, सानू लगता कुछ हो जाऊगा। जिदा कई लोग ने पंजाब वाला हाथ धोते हैं, कई लोग बड़ी बड़ा ताला चैक करते हैं। तो कई बार जो असी जो सा पहली बार गलबात होंगी फैमिली मैंबर कहते हैं कि जी ये वहम करती हैगी बंदा वहम करता है, कई बच्चे भी सा गलबात करते हैं कि जी ये वहम कर रहे हैं कि इन्हू जर्म लग जाने ने। कई भी लोग जो कुछ साढ़े घर आता उस तो बाद घर की बड़ी सफाई करती हैगी कि कुछ गड़बड़ हो गई हैगी, जरा रोग हैगा डिफरेंट हैगा जी, वो एक्चुअली वहम की नहीं बीमारी हैगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैगा, ये सैपरेट हैगा। तो बड़ी उस उन्होंने लोगों को यह पता होंदा हैगा कि जिहड़े मेरे ये ख्याल ने जी घड़ी मुड़ी हाथ धोंदे ताला चैक करदे जां होर चीज़ां हैगियां ने, ये एक्चुअली है नहीं है पर मैनू घबराहट होंदी आ, नहीं कुछ ना फिर मैं करदे। राइट, पर की तुसी इसनू साइंटिफिक पक्ष तो रोग मानते हो? हाँ जी, रोग मानते हैं। ओके, हाँ, पर उदी पिछे उदी बैकग्राउंड पिछे होर हैगी है, पिछे काजेज भी हो डिफरेंट हो सकते हैं, इलाज भी डिफरेंट होंदा हैगा। राइट, ये जिहड़ा वहम का रोग हैगा वो डिफरेंट हैगा, वहम के रोग दे विच उनू इनसाइट नहीं हुंदी कि ये मेरा वहम हैगा। जो असीं उन्हां नूं पुछदे हैगे कि सारी एविडेंस तो ये खिलाफ जाते जी तुम गल कर रहे हैं, फिर तुम कि समझते जे कि यह गल सच्ची हैगी? कहते नहीं जी, बिल्कुल सच्ची हैगी, मैं प्रूव करूँगा किसी दिन, अज नहीं मेरे को प्रूव हों, फिर किसी दिन मैं प्रूव करूँगा। ठीक, और मुश्किल उन्होंने ये आ रही होंगी एक्चुअली कि जिदा ना आप कह दें कि राई का पहाड़ बनाते हैं, छोटी छोटी गलों व्डिया बना लेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट जिदा ना कर लेंगे जी। सो वो देखते हैं कि राई तो हैगी सी ना, जिदा कोई हसबेंड हैगा वो बिलीव करता कि मेरी वाइफ का अफेयर हैगा, वो कहता कि तुसी किदा कहिंदे जे अफेयर नहीं हैगा, मैं गल करदिया वेख्या हैगा। राइट, हाँ, गल भावें कोई भी हो रही हो है ना। सो यह चीज़ों पर जी छोटी जी को गल हैगी इंटरप्रिटेशन रियलिस्टिक नहीं कर रहे होंगे है। ठीक है, सो तुसी अज डिल्यूजन डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जी गल की हैगी, किस तरीके के मरीज तुसी देखते हैं? देखो जी, दो तरह के काम मैं करता है जी। एक तो मैं काम करता है जिथे मैं रॉयल कोलंबिया हॉस्पिटल मेरा ऑफिस हैगा, उत्थे असी सैकोसिस का इलाज करते हैं। सैकोसिस दे विच डिलूजनल डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, तो उत्थे जी एक्चुअली मेरी जॉब हैगी कि जो कोई बंदा पहली बार बीमार होंदा हैगा जी, उहदा इलाज असी करते हैं, जिन्हों वहम भरम होंदे हैगे उहदा असी इलाज करते हैं। ठीक है, तो जिहड़े जिन्हां नूं ओसीडी हुंदी है सैकोसिस हुंदा हैगा, जो असी असैसमेंट करते हैं वो फिर असी जिहड़े ओसीडी दे मार हैगे नूं उहनां वल भेज दिंदे हैगे। ओके, तो दूसरा हैगा कि असी मूड डिसऑर्डर राही जिहड़े मूड दे डिसऑर्डरस ने उन्हां वास्ते असी अपनी कम्यूनिटी च ग्रुप लाउने आ, उहदे च असी सारा कुछ करदे हैगे। सो इस तरह दा मैं इह काम करदा हैगा। ओके, ते इह जिहड़े लोक हैगे ने डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाले, एक ते मानदे नहीं, इनसाइट नहीं हुंदी, फिर इलाज नहीं कराउंदे। ओके, दूसरा इन्हां नूं हैगा कि मेरी सारी बाकी जिंदगी सही चल रही ते मैनूं कुछ नहीं हैगा। पर ओही सी करके जी कहावत भी ते हैगी कि वहम दा कोई रोग नहीं हुंदा, इह वी असी सुणदे हैगे, पर फिर इलाज किवें हुंदा इहनां दा? की साडी कम्यूनिटी दे विच इक कहावत हैगी आ कि वहम दा कोई इलाज नहीं जी, अजे तक भी चलदी, अजे तक भी लोक सानूं कहंदे ने, ते ओह कहावत सही सी जिहड़ी ओह कहावत सी कि ओहदा वहम दा कोई इलाज नहीं हैगा। राइट, नहीं सी हैगा। ठीक, 1952 तो पहलां, ठीक, 1952 सानूं पहली बार ये दवाई मिली हैगी जिन्हें साडे जिहड़े भरम ने उन्हां नूं डाउन किया, जिहड़े साडे वहम ने उन्हां नूं डाउन किया। सो जिहड़ी एंटीसाइकोटिक मैडिकेशन हैगी आ उह काफ़ी इफेक्टिव हैगी आ। ओके, इहदे विच जी, ते सो इहदा इलाज हैगा हुण पिछले 50 सालां तों 60 सालां तों इहदा इलाज हैगा, ते लोक फायदा हुंदा, लोक ठीक हो जांदे हैगे। राइट, सो हुण इस कहावत नूं चेंज करन दी लोड़ है कि इह नहीं कि वहम दा कोई इलाज नहीं हुंदा, हुण तां इह कह देणा चाहीदा जी वहम दा भी इलाज हुंदा, वहम दा इलाज हुंदा। राइट, और बड़ा वधिया इलाज हुंदा, लोक इत्थों ठीक हुंदे हैगे ने। दूजा साडे साइकोलॉजिस्ट बहुत वधिया काम कर रहे ने, साडियां कुछ CBT दी जिहड़ियां टेक्नीक्स नू काफ़ी सक्सैसफुल ने, एज ए साइकोलॉजिस्ट असी जे कोई बिल्कुल ही मना करना कि मैं तो दवाई खानी नहीं हैगी, वी वर्क विद दैम, तो असी उन्हां नू
ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਲੂਜਨ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇਧਰ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।